हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुपर शिवानी। आज मैं एक और केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बनाएंगे गैस पर, यानी कि विदाउट ओवन। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हमारे केक को कितना सुंदर यहाँ पर टेक्सचर आया है केक में, बिना किसी फ्रॉस्टिंग से ही। केवल केक बैटर से हम ऐसा बहुत सारा टेक्सचर ला सकते हैं। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा टेक्सचर लाया है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस केक को प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। आप इस मिल्क पाउडर की जगह पर कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए, इसे स्टेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से स्टेन कर लिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और इसे भी स्टेन करके इसमें ऐड कर लेंगे। मिला लेंगे सबको एक बार अच्छे से। और अब हम यहाँ पर 1 कप वार्म मिल्क लेंगे जिसमें हम 1/2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर मिल्क जो है अच्छा गर्म होना चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बटर मिल्क यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इससे केक प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 1/4 कप हम डालेंगे यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पर बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसे बहुत ही सिंपल बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इस बटर मिल्क को बनाने के बाद इसे हमें 10 मिनट रख देना है और ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इस केक बैटर में इसे यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ऐड करेंगे। और इसके बाद हम 1/4 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर जो भी फ्लेवर चाहें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। ये पाउडर शुगर है जिसे मैंने ग्राइंडर में अच्छे से चर्न कर लिया है और इस शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे केक का जो बैटर है वो तैयार है। और अब हम इस केक बैटर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इस केक बैटर में 2 टेबलस्पून कोका पाउडर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर जितना डार्क इसे पसंद करें उतना ही कोका पाउडर को इस्तेमाल करें, इसमें हम ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्ट्रेन करके भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही ऐड कर ले रही हूँ। और अब हम इस कोका पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर कोका पाउडर की जगह पर आप यहाँ पर कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बटर मिल्क और ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो चॉकलेट केक वाला बैटर है वो तैयार है। और मैंने यहाँ पर गोल शेप की केक टिन ली है जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटे से बटर पेपर को रखा है। और अब हम इस बटर पेपर में ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। और अब हम इस केक टिन में केक के बैटर को डालेंगे। और इस बैटर को पोर करने के लिए हम यहाँ पर 2 इक्वल साइज के स्पून लेंगे जिससे हम बैटर को इसमें डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर वनीला वाला बैटर डालेंगे, बिल्कुल सेंटर पर हमें डालना है और बिल्कुल धीरे से ऐसे डालना है। और इसके बाद हम चॉकलेट वाला बैटर इसके सेंटर पर डालेंगे और फिर से वनीला वाला बैटर डालेंगे, चॉकलेट बैटर, और फिर हम यहाँ पर वनीला बैटर डालेंगे, चॉकलेट बैटर, और अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। आप चाहे तो इसे टूथपिक से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ऐसी स्टिक से भी बना सकते हैं। तो चलिए डिजाइन बना लेते हैं। इसमें बहुत ही बचाकर हमें डिजाइन बनाना होता है। सबसे पहले हम सेंटर से बाहर की ओर लाइन खींचेंगे, इसे आपको नीचे तक खींचना है। पहले नीचे डाल दिया मैंने और इसे हम कॉर्नर तक खींचते जाएंगे और ऐसे ही दूसरे साइड भी ऐसे ही खींचेंगे लाइन, बॉटम तक इसे हम खींचेंगे। इस तरह आपको टूथपिक को हर बार क्लीन कर लेना है और फिर से लाइन बनाएंगे। इसके बीच में भी हम लाइन बना लेंगे और अब हम ऐसे ही लाइन कॉर्नर से सेंटर की ओर बनाएंगे और इसके बीच से भी ऐसे बना लेंगे।
और आप देख सकते हैं इस टूथपिक की मदद से मैंने इस केक में कितना खूबसूरत सा टेक्सचर बनाया है। और अब हम इस केक को बेक करेंगे। और इस केक को बेक करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़े साइज की कढ़ाई लेंगे। आप यहाँ पर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इडली स्टैंड भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी बर्तन हो आप यहाँ पर उसे ले सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है और इसे मैंने प्रीहीट होने के लिए पहले ही रख दिया था और ये अब अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम केक बैटर को इसके अंदर रखेंगे और आप देख सकते हैं मैंने इस केक टिन को इस पैन के अंदर रख दिया है। और अब हम इस पैन को अच्छे से कवर कर देंगे और अब हम इस केक को 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम बेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बेक हुआ है। इस केक को मैंने इस स्टॉक पैन पर बनाया है। अगर आप इस स्टॉक पैन को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हैं। केक जो है ऑलमोस्ट बेक हो चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे और इसे हम टूथपिक से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टूथपिक हमारी क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इस केक को हम यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम अनमोल्ड करेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे और इसके बटर पेपर को भी निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका ये केक कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।